पहले तो ये कहा है कि गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए सरदार पटेल को सबसे ज्यादा समर्थन था सभी समितियों का, कांग्रेस समितियों का। फिर भी गांधी जी के चलते उनको दूर रहना पड़ा, गांधी जी ने उन्हें दूर रखा और नेहरू जी को प्रधानमंत्री किया। देश के अनेक लोग इस इतिहास का साक्षी है। यही बात आज कांग्रेस के ऑफिशियल आए हैं और उस लेख का नाम है सचमुच वे सरदार थे। यानी सरदार पटेल के बारे में पहले कांग्रेस के मासिक में तो लेख आता ही नहीं था, लेकिन आया तो एकदम ही सच सब बता दिया उसने। उन्होंने ये कहा कि 562 रियासतों का जो शामिलीकरण, विलीनीकरण, विलय हुआ भारत संघ राज्य में, ये सरदार पटेल के कर्तृत्व का करिश्मा था। लेकिन केवल एक रियासत कश्मीर की, इसके बारे में पंडित नेहरू ने अपने हाथ में लिया था कि इस रियासत का विलय मैं करवाऊंगा। लेकिन फिर जिस तरह से घटनाएं घटी और प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में गया या जनमत संग्रह की बात हुई, तो यह सरदार पटेल जी को बिल्कुल नागवार था। और कहने का इस आर्टिकल का मतलब यह था कि ये भी कश्मीर का मसला भी अगर पटेल जी के ही हाथों सौंप देते तो कश्मीर का मसला भी ना आज प्रश्न चिन्ह बनकर रहता। पटेल जी का कहना था कि 2 घंटे में गोवा ले लेंगे, लेकिन नेहरू जी ने वो होने नहीं दिया। तिब्बत के बारे में चीन पर भरोसा रखकर नेहरू जी जो करते थे, तभी पटेल जी ने कहा था कि तिब्बत के बारे में आपका विश्वासघात होगा, और बाद में वैसे ही हुआ। ये सब भारतीय जनता पार्टी या प्रकाश जावड़ेकर नहीं कह रहे हैं, ये संजय निरुपम अपने कांग्रेस दर्शन में कह रहे हैं। और लेखक कौन है ये पता नहीं है, लेकिन आपको पता है संजय निरुपम जी दोपहर सामना के, शिवसेना में जब थे तो दोपहर सामना के संपादक थे। कांग्रेस केवल एक परिवार की पार्टी है और यहां विरोध के स्वर का कोई महत्व नहीं है। ये बात फिर से एक बार सामने आई है, तो इस पर मैं कांग्रेस से खुलासा क्या मांगू। उन्होंने तो इतिहास के पन्ने को अपने पत्रिका में जो कभी नहीं छापा था वो आज छापा है। मैं तो बधाई कर देना चाहता हूं संजय निरुपम जी को।